के साथ पूरी जिंदगी बीती है, ये आपको मैं बता सकता हूं पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कि हर बच्चा ये चाहता है कि मैं वैल्यूड हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरी बात को सुना जाए। और अगर ये चीज प्रधानमंत्री द्वारा हो रहा है तो उस बच्चों का कितना प्रोत्साहन हो रहा है इसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं तो इसे उसी रूप में देख रहा हूं। लेकिन जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने पूरे इस देश के शैक्षणिक वातावरण को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश कर रहे हैं, वो एक आमूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, और उस परिवर्तन के मूल में बच्चों की गुड हेल्थ, उनकी वेलबींग, उनकी फ्लरिशिंग, उनका जीवन में राष्ट्र के लिए योगदान, वो खुश रहें और एक समृद्ध और खुशहाल राष्ट्र के नेता के रूप में अगले 20-25 वर्षों में उभरें, ये पूरा प्रयास उसी के लिए है। मैं तो इसे उसी रूप में देखता हूँ। सर, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत क्लैरिटी से हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं पे पीछे AI लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, कुछ मॉडल्स ऐसे नजर आ रहे हैं जो शायद स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो सकते हैं, कुछ ऐसे मॉडल्स नजर आ रहे हैं जहां पर ड्रोन का एक इस्तेमाल का एक प्रयास दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि जब चर्चा देश में होती है, देश की नीतियों से इस प्रकार से आगे बढ़ा जाता है, चंद्रयान जैसी जब सफलता मिलती है, AI पे देश आगे बढ़ने को लेकर जमीनी प्रयास करता है, तो छात्रों तक, नई पौध तक किस प्रकार के विचार पहुंचते हैं, शायद उसका ही परिलक्षण हमको इस वक्त इन तस्वीरों के आधार पर दिखाई पड़ रहा है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री पीछे के बारे में नहीं सोचते, वो आगे अगले 10 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष। आप देखिए ना, जिस देश का प्रधानमंत्री 2047 का विजन लेके चल रहा हो, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे नए इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये जितनी भी चीजें हैं, इस सब के लिए उनके निर्देश आ चुके हैं। मैं आपको बताऊं, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री पहली बार, उसी समय उन्होंने एक टास्क फोर्स बना दिया था कि हम दुनिया में साइबर सिक्योरिटी में नंबर वन कैसे बने। उस टास्क फोर्स ने लगभग एक वर्ष काम करके अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा था कि मुझे बताइए आप एक वर्ष में क्या 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 करना चाहते हैं। तो उसी का ये हिस्सा है कि प्रधानमंत्री बच्चों को उन किसी भी सुविधा से अलग नहीं रखना चाहते हैं जो उनको देश की समृद्धि के लिए, इनोवेशन के लिए आगे बढ़ा सके। बिल्कुल, और शायद अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से किस प्रकार का एक वैज्ञानिक सोच का आधार तैयार देश के स्कूलों में किया गया है, उसका एक नतीजा भी हम कह सकते हैं। अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी निशांत सौरभ इस वक्त भारत मंडपम में ही मौजूद हैं प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए, और लगातार शिक्षा से जुड़ी खबरें कवर करते रहते हैं। निशांत हमारे साथ मौजूद। निशांत, स्वागत है आपका। सवाल यही कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री उस एग्जीबिशन का अवलोकन कर रहे हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं, अगर आप जानकारी दे सके कि क्या क्या ये संवाद इस वक्त हो रहा है और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो देश भर के छात्र आए हैं उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं, शोकेस किए हैं, प्रधानमंत्री के सामने वो जानकारी साझा कर रहे हैं। निशांत जी, देखिए आर्यन्द्र, अभी आपने अटल टिंकरिंग लैब का जिक्र किया, जो कि अटल टिंकरिंग लैब, जो देश के करीब 10,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब खोला गया है, और वहाँ के बच्चों ने अपना यहाँ पर जो उन्होंने नवाचार किए हैं उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। क्योंकि अटल टिंकरिंग लैब, जो कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना पे शुरू किया गया है, वो देश भर के स्कूलों में नवाचार यानी इनोवेशन का एक कल्चर डेवलप करने में काफी मददगार साबित हुआ है। और ये जो 10,000 स्कूलों की बात मैंने कही, यहाँ पर जो अटल टिंकरिंग लैब खोले गए हैं, यहाँ पर बच्चे तमाम तरह के इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम करते हैं और जो सोशल प्रॉब्लम है उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं अटल टिंकरिंग लैब के जरिए। और मैं ये भी बता दूं कि 1 करोड़ से अधिक बच्चे एक्टिवली इसमें इंगेज है अटल टिंकरिंग लैब में। देश भर के 1 करोड़ से अधिक बच्चे इंगेज है इन 10,000 स्कूलों में। तो यहाँ पर जो अटल टिंकरिंग लैब की जो एग्जीबिशन लगाई गई है वहाँ उनके प्रोजेक्ट्स का, उसमें जैसे कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा, तो जैसे कुछ बच्चों ने स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, इसके बारे में अपना प्रोजेक्ट लगाया है। उसके अलावा सेफ्टी ड्रोन फॉर मिलिट्री, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मिलिट्री के लिए सेफ्टी ड्रोन उन्होंने तैयार किया, जो कि जो जैसे हम बॉम्ब की बात करते हैं उसको डिस्पोजल की, बॉम्ब डिस्पोजल की बात करते हैं, तो बॉम्ब को ये बिना उसको छुए वो सेफली डिस्ट्रॉय कर सकता है, एक ये प्रोजेक्ट है। और उसके अलावा जो लैंडमाइन का डिटेक्शन भी कर सकता है ये ड्रोन,
तो मिलिट्री के लिए ये काफी एक इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है जिसको बच्चों ने तैयार किया है। उसके अलावा एक वायुपुत्र नाम से एक इन्होंने डिवाइस तैयार किया है जिसको अगर ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर लगा दिया जाए तो ये एयर को यानी हवा को प्यूरिफाई कर सकता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर सकता है। जैसे एयर ट्रैफिक पे काफी लोगों को पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है ट्रैफिक सिग्नल पे, तो ट्रैफिक सिग्नल पे अगर इसको इंस्टॉल कर दिया जाए तो वो हवा को प्रदूषित को प्यूरिफाई करने में ये मददगार साबित हो सकता है। वायुपुत्र नाम का ये प्रोजेक्ट है जी। उसके अलावा दिव्यांग जनों के लिए भी एक रोबोटिक प्रोस्थेटिक डिवाइस दिव्य हस्त नाम से बच्चों ने तैयार किया है जो दिव्यांग जनों के लिए काफी मददगार साबित होगा। तो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जिनका जिनको यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है जो कि बच्चों ने तैयार किया है। निशांत, आपने वायुपुत्र का जिक्र किया, इस वक्त संभवतः वही तस्वीरें प्रधानमंत्री जो अवलोकन कर रहे हैं वो बच्ची जानकारी दे रही है वायुपुत्र का ही। आपने बताया कि क्योंकि गाड़ियों के चलने से बहुत प्रदूषण होता है और ऐसे में ट्रैफिक सिग्नल पे ज्यादा प्रदूषण होता है क्योंकि गाड़ियां वहां स्टार्ट अवस्था में रुकी रहती हैं। वहां की वायु को प्योरीफाई करने का जो प्रयास बच्चों के द्वारा एक इनोवेशन का आप जिक्र कर रहे हैं वो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, तो निश्चित तौर से पर्यावरण संरक्षण जैसे बड़े बृहद विषय पे भी छात्रों के माध्यम से बड़ा प्रयास कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के सामने रखा गया है। निशांत जी बिल्कुल, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे जो है स्कूल के बच्चे ये जो सामाजिक सोशल इश्यूज हैं उनके प्रति कितने जागरूक हो रहे हैं, चाहे वो पॉल्यूशन का इशू हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का इशू है, एजुकेशन से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जो इशू है उसको लेकर जो प्रोजेक्ट्स हैं इनोवेशन करते हैं। चूंकि आपको मालूम है कि देश के तमाम स्कूलों और कॉलेजों में एक इनोवेशन का कल्चर डेवलप हुआ है पर भी नवाचार का एक कल्चर डेवलप हुआ है और जो जिन प्रोजेक्ट्स की मैंने बात कही वो इसी का एक हिस्सा है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का जो उभरता हुआ क्षेत्र है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी बच्चे यहाँ पर स्कूल के बच्चे काफी काम कर रहे हैं और यहाँ जो एग्जीबिशन प्रधानमंत्री देख रहे हैं उसमें एक AI फॉर यूथ यानी युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस थीम के साथ भी एक एग्जीबिशन लगाया गया जिसमें कि कुछ प्रोजेक्ट की मैं आपको बताऊं कि AI से क्या क्या फायदा हो सकता है। अग्नि सुरक्षा नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि स्कूल के बच्चों ने कैसे हम चूंकि आपको मालूम है कि हर साल देश में हजारों लोगों की जान जाती है आग लगने की घटनाओं से, तो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बच्चों ने एक सेंसर तैयार किया है जो कि कहीं अगर आग लगे तो वो शुरू में ही उसको डिटेक्ट कर सकता है और उसको डिटेक्ट करने के साथ ही वो जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो सिस्टम है उसको वो तुरंत एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही आग लगने की घटना होती है तो सेकंड के भीतर ही जो अग्निशमन का कार्य शुरू किया जा सकता है जिससे कि आग को फैलने से रोका जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। तो इस तरह का प्रोजेक्ट है। रोबोट के जरिए कैसे नालों की सफाई की जाए, क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग हम जानते हैं कि लोग जो नालों में जो अंदर जाकर सफाई करते हैं उसमें भी कई लोगों की जान जाती है, तो उससे उसको दूर करने के लिए रोबोट के जरिए कैसे नालों की सफाई की जाए उसका भी प्रोजेक्ट बच्चों ने तैयार किया है। उसके अलावा जो फेस रिकॉग्निशन डोर लॉक सिस्टम, दरवाजों को कैसे फेस रिकॉग्नाइज करके खोला और बंद किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, ये सिस्टम है। सांस से संबंधित बीमारियों की स्क्रीनिंग के लिए भी बच्चों ने एक मॉडल तैयार किया है, स्वच्छता उसका नाम है, स्वच्छता निदान जी। जो सांस से संबंधित बीमारियां होती है उसको कैसे समय रहते डिटेक्ट किया जाए ताकि उसको आगे फैलने से रोका जा सके, और मानसिक इसके अलावा जो मानसिक तनाव से जो ग्रस्त जो रोगी होते हैं या बच्चे होते हैं उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, और इनविजिबल वायरलेस टच पैड भी बच्चों ने तैयार किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो ये आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे जो कि स्कूलों में पढ़ते हैं कितना मतलब आगे की सोच रहे हैं और कैसे ये जो आइडियाज है उसको सक्सेसफुली आगे वो लेकर जाएंगे, उसको स्टार्टअप में कन्वर्ट करेंगे, और जिस तरह से देश भर में स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही है, आज 110,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप देश में है, तो ये जो बच्चे जो इनोवेशन कर रहे हैं, नई नई खोजें कर रहे हैं,
उसको निश्चित तौर पर वो आगे स्टार्टअप में तब्दील किया जाएगा उसको, और देश के बच्चों में एक एंटरप्रेन्योरशिप आदि उद्यमशीलता को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल निशांत, आप रहिए हमारे साथ में, खास मेहमान अशोक कुमार पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अशोक जी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, हमारे सहयोगी निशांत जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जो बच्चों ने यहाँ पे सामाजिक और तमाम प्रकार की जो चुनौतियां हैं या पृथ्वी के सामने जो चुनौतियां हैं उनके सामान्य से सॉल्यूशंस देने का जो काम किया, आपको लगता है कि सरकारों का एक बहुत हेल्पिंग हैंड के तरीके से ये नई पीढ़ी, ये पौध भी काम कर रही है, आपको लगता है कि ये एक नई दिशा में बढ़ते हुए भारत के कदम है? अशोक जी, बिल्कुल आपने सही किया, और मैं ये देख रहा था इन तस्वीरों में, आप देखें दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं इसमें, आपने लड़के और लड़कियों दोनों को आप देख रहे हैं। एक तो छोटा बच्चा मुझे लगभग 10 वर्ष की उम्र का दिख रहा है, तो आप देखिए कि बच्चों के अंदर एक इनोवेशन का जो कल्चर है, जो निशान जी कह रहे थे, वो किस तरह से प्रस्फुटित हो रहा है, दिस इज नंबर वन। नंबर टू, मैं आपको बताऊं कि ये जो समाज की जो परेशानियां हैं इनको ये बच्चों को पहले ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कहां पे किस चीज की आवश्यकता है, और जो AI हो या टेक्नोलॉजी हो उसका काम ही यही है अनिंद जी, कि वो एक सोशल गुड के लिए हम उसका प्रयोग करें। तो अगर इन बच्चों की संस्कृति ये हो जाए कि हम समस्याओं को पहले आइडेंटिफाई करें, उसको एक आर्टिकुलेट करें अच्छी तरह से, फिर उसके समाधान के लिए हम मिल करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या और इनोवेशंस के द्वारा कैसे हम ये एक डिजाइन थिंकिंग का जो कल्चर है बच्चों के अंदर आ रहा है, यही प्रधानमंत्री जी की मंशा है, यही समाज की आवश्यकता है, और यही हम चाहते हैं कि ये बच्चे इस परीक्षा को इतना महत्व ना दे करके इनोवेशंस को इतना महत्व दें, चीजों को समझने की करें, और एक सोसाइटी को AI के द्वारा समस्याओं से कैसे हम मुक्त करा सकें, यही हमारी शिक्षा का उद्देश्य है और यही होना चाहिए। बिल्कुल, ज्ञानार्जन का जो एक बेसिक आधार तैयार करने की कोशिश नई शिक्षा नीति के माध्यम से की गई है, वो भी महत्वपूर्ण है। निशांत, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए, निशांत इस बात की भी थोड़ा सा स्पष्टता दे दीजिए कि ये जो तमाम बच्चे हैं, ये देश के अलग अलग कोनों से स्कूलों से आए हुए बच्चे हैं, और इन सब के माध्यम से ओवरऑल लगभग कितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इस एग्जीबिशन में शोकेस किए गए, कुछ इसको लेकर जानकारी? निशांत क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं? जी, आर्यन, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी निशांत, मैं समझना चाहता था कि ये जो बच्चे हैं, क्या ये देश भर के अलग अलग कोनों या राज्यों से स्कूलों से आए हुए हैं, और लगभग कितनी संख्या में प्रोजेक्ट्स यहाँ पे प्रधानमंत्री के सामने रखे गए? जी बिल्कुल आर्यन्द्र, ये जो बच्चे जो आप देख रहे हैं कि जिन्होंने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अपने अपने डिस्प्ले किए हैं, वो न केवल दिल्ली के हैं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी, और अलग अलग कुछ केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं, और उसके अलावा वो निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी वो भी अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आए हुए हैं, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि कैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, इनोवेशन से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो बच्चे कला उत्सव जो अभी पिछले दिनों ऑर्गेनाइज किया गया था, कला उत्सव के विजेता बच्चे हैं, उन्होंने भी अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अपनी जो कृतियां हैं उसको वहां पर डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसमें जैसे कि मैं आपको बताऊं कुछ इंडिजेनस टॉयज यानी घर देश में बने हुए खिलौने एंड गेम्स, इंडिजेनस टॉयज एंड गेम्स को उन्होंने डिस्प्ले किया, जो पारंपरिक खिलौने होते हैं उसका डिस्प्ले यहां पर किया गया है। उसके अलावा 3D विजुअल आर्ट और जो मूर्तियां उन्होंने तैयार की हैं वो सब उनका डिस्प्ले किया गया है। और उसके अलावा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 2020 के नाम से सरकार ने 4 साल पहले जिसको लागू किया था, उसके क्या क्या प्रावधान हैं उससे जुड़े हुए भी जो एग्जीबिशन है उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे जो 21वीं सदी में जो जरूरी स्किल है, 21st century स्किल जिसकी बात कहते हैं, जो लाइफ स्किल है, चाहे मल्टी लिंग्वलिज्म यानी बहुभाषावाद, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुभाषावाद का जिक्र किया गया है कि जो बच्चे हैं वो उनको अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, न केवल स्कूलों में बल्कि हायर एजुकेशन में भी। तो कैसे बहुभाषावाद को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है उससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर बच्चों ने जो पेंटिंग्स है वो यहाँ पर दिखाया है, क्योंकि अब सरकार की तैयारी है कि आने वाले समय में कॉलेजों में भी जो पढ़ाई होगी वो अलग अलग भाषाओं में होगी, और अलग अलग जो जो 8वीं अनुसूची में शामिल जितनी भाषाएं हैं
उन सभी भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों को कॉलेजों के लिए भी तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी यानी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का जिक्र किया गया है कि कैसे कक्षा दो में पढ़ने वाले हर बच्चे को कम से कम मूलभूत साक्षरता उसके अंदर आनी चाहिए, जो गणित के साधारण सवाल भी हल करने में सक्षम हो पाए, तो उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके अलावा जो चूंकि आज जो आज का जो टॉपिक है वो परीक्षा पे चर्चा है, तो परीक्षा पे चर्चा से परीक्षाओं से जुड़े हुए, परीक्षा के तनाव से जुड़े हुए क्या क्या एंग्जाइटी होती है बच्चों में, किस तरह का तनाव होता है, किस तरह का अच्छा परफॉर्म करने का एक प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, और कैसे उनके ऊपर शिक्षकों की और अपने अभिभावकों का जो एक्सपेक्टेशन होता है परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करने का, और इन सब चीजों से जुड़ा हुआ भी एग्जीबिशन यहाँ पर पेंटिंग यहाँ पर बच्चों ने लगाई है। परीक्षा के तनाव से, परीक्षा के उसके स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए उससे जुड़े हुए भी, बिल्कुल उससे जुड़े हुए भी तमाम चीजें हैं। आप निशांत रहिए हमारे साथ में, अशोक कुमार पांडे जी भी हमारे साथ शिक्षाविद मौजूद है। अशोक जी, आपको लगता है कि परीक्षा पे चर्चा एक मंच ऐसा है जहां पे तमाम वो स्टेक होल्डर्स जो छात्र और उनके भविष्य से जुड़े हुए हैं, जिसमें शिक्षक भी हैं, अभिभावक भी हैं, स्कूल भी जुड़े हुए हैं, या तमाम प्रकार की चीजें जो कभी आइसोलेशन में अलग अलग हिस्सों में काम करती थी, उनको एक नई सोच के साथ में, नई शिक्षा नीति के साथ में एक मंच पे लाना और इस प्रकार के संवाद कार्यक्रमों से सबको व्यवहारिक तरीके से एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना, आपको लगता है कि ये वो दिशा है जहां से व्यवहारिक समाधान जमीन पर सफलतापूर्वक दिखाई पड़ेंगे? अशोक जी। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि हम लोग अपनी चर्चा में इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये पूरा प्रयास अब एक नया माध्यम बन जाएगा अपने बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड, वेल बीइंग, इनोवेशन, यू नो, वर्किंग फॉर द नेशन, टेकिंग द लीडरशिप इन द फ्यूचर एंड टेकिंग द होल कंट्री इन ए डायरेक्शन जो कि हमने बहुत दिनों से सोच रहे थे, डिजर्व कर रहे थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई कमियां आ गई थी। तो ये परीक्षा पे चर्चा एक वो माध्यम बनेगा, एक मीडियम बनेगा, एक वो इंस्ट्रूमेंट बनेगा जो कि हमारे बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस को एक साथ बढ़ाएगा। बिल्कुल, और वो पॉजिटिविटी को एक तरीके से आगे बढ़ाएगा और वो चीज यहाँ पे दिखाई भी पड़ रही है क्योंकि भारत की विकास यात्रा भी किस तरह से आगे लगातार बढ़ रही है उसकी भी तस्वीरें पीछे दिखाई पड़ रही हैं और उसमें कैसे आगे और तेज गति से क्वांटम जंप लिया जा सकता है वो प्रयास भी छात्रों के माध्यम से। निशांत, आपको लगता है कि जिस प्रकार से देश भर के कोने कोने से छात्र आए हुए हैं और जिस पेंटिंग का आप जिक्र कर रहे थे वो तस्वीरें, या कहा जाए एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीरें भी अब इस समय हम दिखा रहे हैं, ये एग्जीबिशन जिसका प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया, तमाम छात्र छात्राएं जो देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए हैं वो प्रधानमंत्री को उसके बारे में जानकारी देते हुए कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, और भारत की ऐतिहासिक विरासत जिस प्रकार का निशांत हमारे सहयोगी जिक्र कर रहे थे, जो स्थानीय खिलौने वो भी कहीं ना कहीं उसको प्रोत्साहन देने की कोशिश हो रही है, यानी कि वोकल फॉर लोकल। निशांत, आपको लगता है ये तमाम वो प्रयास है जो सरकार करती रही है और जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं? निशांत जी बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे, जो तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जिसकी बात हमने कही, पारंपरिक खिलौनों को दर्शाया गया है और वोकल फॉर लोकल जो मंत्र है प्रधानमंत्री का, उससे जुड़ी हुई जो कलाकृतियां हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत में अनेकता में एकता, वो दर्शाया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसके अलावा जो काशी तमिल संगम, उसके उससे जुड़े हुए भी जो एग्जीबिशन है यहाँ पर दिखाया गया है। काशी तमिल संगम आपको मालूम है कि पिछले दो साल से कैसे सफलतापूर्वक इसको आयोजित किया जा रहा है, और भारत की लोक कलाएं जो हैं, जितनी भी अलग अलग राज्यों की जो लोक कलाएं हैं उनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और उसके अलावा मैं आपको कुछ एक दो और चीजें, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि किस तरह से खेल के क्षेत्र में भारत का दबदबा बढ़ा है और खेलों में भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, उसमें काफी संख्या में अब मेडल लाने लगे हैं। तो खेलते खिलाड़ी और खेलता भारत, इस थीम के साथ भी यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई गई है कि कैसे भारत खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। खेलो इंडिया जो सरकार की एक काफी प्रमुख स्कीम है, उसके जरिए कैसे जो देश के अलग अलग इलाकों के टैलेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है और भारत का दबदबा बढ़ा है,
और उसके अलावा अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी हमने देखा है हाल के दिनों में कि भारत का वर्चस्व काफी दुनिया में फैल रहा है, चाहे वो चंद्रयान की बात हो और आदित्य एल